अगर आपके लव्ड वंस, आपके परिवार वाले दोस्त सब जहाँ हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक का रीज़न मंजरे आम पर आ गया है। निमृत कौर, जो कि अभिषेक की फिल्म दसवीं की हीरोइन थी, अब उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है अभिषेक बच्चन के साथ, जिसमें निमृत कौर ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि शादियां बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन निमृत कौर का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते जाएं कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की तलाक का रीज़न निमृत कौर को माना जा रहा है। जी हां, इससे पहले अभिषेक बच्चन की सिस्टर श्वेता बच्चन को अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक का रीज़न माना जा रहा था, क्योंकि श्वेता बच्चन जब से अपना ससुराल छोड़कर बच्चन फैमिली में आकर रहने लगी थी, तब से ही ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन में काफ़ी अनबन होने लगी थी और उन दोनों के दरमियान दूरियां भी काफ़ी हो गई थी, जिसके बाद से हमने ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को एक दूसरे से अलग थलग हर इवेंट में देखा। इवन के ऐश्वर्या बच्चन फैमिली और बच्चन का घर छोड़कर अपनी मां के साथ रहने लगी, जिसकी वजह से सब लोग श्वेता बच्चन को ट्रोल करने लगे कि उन्होंने ऐश्वर्या और अभिषेक का घर तोड़ दिया है। लेकिन अब इस बात का खुलासा सच सामने आ चुका है कि ऐश्वर्या और अभिषेक का घर श्वेता बच्चन ने नहीं, बल्कि अभिषेक बच्चन की फिल्म दसवीं की हीरोइन निमृत कौर ने तोड़ा है। निमृत कौर वो लड़की है जिन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ अपनी शूटिंग के दरमियान ही अफेयर चलवाया था और वो अभिषेक बच्चन को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई थी। अब ये बात ऐश्वर्या राय को पता चली तो उन्होंने अभिषेक बच्चन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभिषेक बच्चन तो क्या, पूरी बच्चन फैमिली ने ही अभिषेक के इस अफेयर का साथ दिया, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने बच्चन फैमिली को खैरबाद कहकर अलग से अपना घर अपनी माँ के साथ बसा लिया। तो वेल, आपने ये वीडियो देखी, वीडियो देखकर आपका क्या कहना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा।